आपके शरीर की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने इस शरीर को जैसे चाहे वैसे चेंजेस या बदलाव कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपने शरीर की है और आपके काम में आती है वो है हाइट, यानी आपकी लंबाई। हाइट आपके लुक्स को, यानी आप कैसे दिखते हो, इसको बहुत इफ़ेक्ट करती है। यह हाइट आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करती है। बहुत लोगों को ये लगता है कि जब उनकी उम्र 20 साल हो जाती है तब उनकी हाइट या लंबाई नहीं बढ़ सकती। हाँ, ये बात सही है, पर पूरी तरह सही नहीं है। आपकी हाइट बढ़ेगी या नहीं, ये 90% आपकी जीन्स पर डिपेंड करता है। मतलब आपके पेरेंट्स की हाइट जितनी है उस पर यह डिपेंड करती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपकी और आपके पेरेंट की लंबाई बराबर होगी। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मम्मी पापा की हाइट कम हो और आपकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, और कुछ मामलों में लोग की हाइट कम रह जाती है। अगर आपकी हाइट कम है तो अच्छी बात यह है कि आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। और एक बात यह है कि आप अभी आपकी हाइट अच्छी खासी है पर फिर भी आप और बढ़ाना चाहते हो तो आप हाइट बढ़ा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी हाइट बढ़ने में कोई बाधा या अड़चन ना आए तो आपको अपने चलने और बैठने के ढंग को सही करना होगा। चलने का सही ढंग होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के चलना। पर कई लोग झुक के चलते हैं और ये आपकी लंबाई बढ़ाने में बाधा डाल सकती है। बैठते समय भी लोग यही करते हैं, वो लोग झुक के बैठते हैं। अगर आप चेयर पर भी बैठे हो तो आपको सीधा बैठना चाहिए। ये साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है कि अगर आप झुक के चलते या बैठते हो तो ये आपकी स्पाइन को कॉम्प्रेस कर देता है, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी दिन ब दिन छोटी हो जाती है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें झुक के चलने की आदत होती है, मतलब अगर आप चलते समय एकदम सीधे होके चलोगे तो वो आपके स्पाइन को इलॉन्गुलेट करता है। आपके शरीर में आपकी हाइट बढ़ने के लिए दो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। ये है कि आपके अंगूठों के आगे की तरफ जो एरिया है, मतलब आपका हाथ और पैर के अंगूठों अगर आप दबाते हो तो साइंस ये कहता है कि ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और इसके चलते आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने लगता है जो आपके हाइट को बढ़ाता है। खाना भी आपके हाइट को बहुत इफ़ेक्ट करता है। अगर आपको खाना पीना सही हो तो आपकी हाइट को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रोटीन से आपके शरीर की मसल्स और टिश्यू बनते हैं और इसके चलते प्रोटीन्स आपकी लंबाई बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसलिए आप प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लें, जैसे कि मिल्क, फिश, मीट, एग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाइट बढ़ाने के लिए आपको मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बनाना यानी केला। ये सबसे ज़्यादा हाइट बढ़ाने में मदद करता है। और अगर आप हरी सब्जियां यानी ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे तो वो भी आपके हाइट बढ़ा सकते हैं। सोने से आपके शरीर में जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो निकलते हैं और आप कम से कम 7-8 घंटे तो सोना चाहिए। हाइट बढ़ाने के लिए पुलअप्स भी बहुत ज़रूरी है, ज़बरदस्त काम करते हैं पुलअप्स। अगर आप डेली पुलअप्स करोगे तो ये आपके कंधे, कलाई और आपके बाइसेप्स को भी मजबूत करेंगे और आपके हाइट बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। एक्सरसाइज के मामले में हैंगिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ग्रेविटी आपकी लंबाई पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। वो आपके मसल्स को स्क्वीज कर देती है। जब भी किसी बार पे आप लटकते हो तब एक्चुअली आपका पूरा शरीर स्ट्रेच हो जाता है। आपका पैर जमीन से कई फीट ऊपर रहता है और उस समय आपकी रीढ़ की हड्डी इलॉन्गेट होती है। और ये एक फैक्ट है कि जब आप लटकते हो तब आप शरीर का हर एक हिस्सा यानी हर एक मसल्स को स्ट्रेच करते हो और आपके शरीर के हर एक कोने में ब्लड सप्लाई होता है और आपका शरीर एक्टिव हो जाता है। इन सारे तरीकों को अपनाकर इन सारे लोगों ने कई इंचेस बढ़ाए हैं।
तो इन तरीकों को अपना कर रेगुलरली आप भी अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, हाइट बढ़ाने के ये कुछ उपाय थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना।